हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर सोसाइटी से यहाँ पे जो पोस्ट निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे तीनों पोस्ट जो कि निकला हुआ है, तीन पोस्ट निकला हुआ है। फर्स्ट पोस्ट का नेम जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एंड सेकेंड पोस्ट जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, एंड थर्ड पोस्ट जो है असिस्टेंट टीचर। तो इसका डिटेल्स में आप लोग को बताऊंगा किस तरह से जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते। उसके अलावा इसका जो ऑफलाइन के फॉर्म है उसका भी किस तरह से आप फिलअप कर सकते, उसका भी डिटेल यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स दिल्ली गेट न्यू दिल्ली 110002। यहाँ पे इस सोसाइटी से जो जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ उसका मैं डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, पोस्ट जो है फर्स्ट पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे टीचिंग के जो टीचर ले रहा है इस पोस्ट का, उसके लिए यहाँ पे आपका संस्कृत, होम साइंस एंड ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे पोस्ट हो रहा है, 14 पोस्ट है। उसके साथ साथ यहाँ पे इन ब्लाइंड स्कूल के लिए यहाँ पे 1 इंग्लिश एंड 1 संस्कृत, एज लिमिट जो है 36 ईयर तक जो कि मैक्सिमम एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपको, मास्टर डिग्री और मास्टर डिग्री, और उसके साथ साथ बीएड। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी जो रहेगा 47,600 रुपीज़। उसके बाद जो है पोस्ट यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे पोस्ट जो है यहाँ पे 23 सीट है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो कि हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, ड्राइंग, मैथ, साइंस, संस्कृत के लिए आप अप्लाई कर सकते। उसके बाद यहाँ पे है ब्लाइंड स्कूल के लिए मैथ, हिंदी एंड साइंस ग्रुप के लिए। उसके साथ साथ एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री, उसके साथ बीएड आपको होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। सैलरी आएगा 44,900 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट टीचर के लिए, यहाँ पे आपको 44 जो कि पोस्ट है, एंड ब्लाइंड स्कूल के लिए 3 पोस्ट है यहाँ पे, और एज लिमिट के बात करें 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते। 12 पास विथ डीएलएड आपको कोर्स है तो आप उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगा इसका 35,400 रुपीज़। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन, जो कि इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा 7 दिसंबर 2018 में, आपको यहाँ पे आपका जो वॉकिंग इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ एक फॉर्म किस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म जो है ऑफलाइन के फॉर्म यहाँ पे चलाया है, इसको आपको डाउनलोड करके आपको इसको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, हस्बैंड, और अगर आप मैरिड हो तो आपका हस्बैंड नेम आप दे सकते। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस जो कि है आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कैटेगोरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे 10th 12th, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स जो कि है आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल देना होगा। उसके बाद आपका बीएड एंड डीएड के जो सर्टिफिकेट है, कौन सा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी से आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसका भी डिटेल यहाँ पे देना होगा। उसके बाद अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट से अगर आप पहले जॉब कर चुके हैं तो उसका भी यहाँ पे डिटेल्स आपको देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके इस फॉर्म को उसी डेट में आपको ले जाना होगा, उस डेट में जाके आपको इंटरव्यू देना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको जो कि आप दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर सोसाइटी के लिए जो जो पोस्ट निकला है उसका अप्लाई कर सकते। अगर आप लोग पसंद आया, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कॉमेंट करके मेरे को पूछ सकते, उसका जल्द से जल्द जवाब मैं दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।